everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 37. In the last video we saw that grandma went to the market to buy bread, but she returned it immediately just because it was spoiled. और हमने उसमें ये भी देखा था that the color of the bread was changed and expiry date was passed, and that's why only grandma returned the bread. Now today we will see how does food get spoiled. Food spoiled यानी कि ख़राब कैसे होता है, कैसे बिगड़ जाता है. The whole class can do this experiment together. See, you all have to do this experiment at your home. Take a piece of bread or roti. आपको रोटी और ब्रेड का एक पीस लेना है. Sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. फिर उसके ऊपर वाटर के कुछ ड्रॉप्स आपको स्प्रिंकलिंग करने हैं और उसे एक बॉक्स के अंदर रख देना है. क्लोज द बॉक्स. उसके बाद आपको वो बॉक्स बंद कर देना है. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन ईट. और जो भी ब्रेड या फिर रोटी उसमें से जो भी आपने बॉक्स के अंदर रखा है उसको आपको जब तक उसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल जाते तब तक उस बॉक्स में रखना है और हर रोज उसे देखना है. मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम. फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन. सी, यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को लिखना है, उसे फिलअप करना है कि कौन से चेंजेस हमें ब्रेड और रोटी के ऊपर देखने को मिलते हैं. आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट सो आई हैव रिटर्न सम आंसर्स फॉर यू, बट यू हैव टू श्योरली डू दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, देन ओनली यू विल कम टू नो अबाउट द चेंजेस हैपन्स इन द रोटी और ब्रेड. See, 6 days table is given here and its changes by touching, by smelling, by looking with magnifying lens or by color. So first day, by touching, if we touch it, it will be sticky and soft. By smelling it, light bad smell will come from it. Then with magnifying lens, when we look, it looks normal, and by color also it looks normal. Second day, it is sticky and soft. By smell, it has light bad smell. It looks thin white layer with magnifying lens, and its color is slightly white. Third day, by touching, it is moist and soft. It smells pungent. It is thin white layer by looking, and it has white color. On fourth day, it is moist and soft. It has pungent smell. If we look it, it looks a small grass-like structure on the bread, and its color is greenish white. Fifth day, moist and soft by touching, smelling pungent, small grass-like structure on the bread, and it looks greenish white. Sixth day, moist and soft by touching, smelling pungent, and also small grass-like structure, and it is greenish black, means it is totally spoiled. See, कलर में चेंजेस कैसे हुआ, पहले नॉर्मल दिखती थी, फिर थोड़ी थोड़ी वाइट दिखना स्टार्ट हो गई, फिर पूरी वाइट दिखी, फिर वाइट लेकिन थोड़ी ग्रीनिश वाइट दिखने लगी और लास्ट में ग्रीनिश ब्लैक हो गई. सो इट इज़ टोटली चेंज.
ऐसे ही लुक में, स्मेल में और टच से भी हम उसे अलग अलग तरह से पता लगा सकते हैं। सो डू दिस एक्सपेरिमेंट होम एंड फाइंड अबाउट इट। फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। सी, ये जो भी चेंजेस हुए वो चेंजेस क्यों हुए हैं, इसका रीजन आपको फाइंड करना है। और उसके ऊपर जो फंगस है, जो ग्रीनिश व्हाइट ग्रीनिश ब्लैक हो गया है उसका कलर, वो फंगस की वजह से होता है। वो फंगस जैसा होता है, उसके ऊपर स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो फंगस है। सो वो फंगस ब्रेड के ऊपर कहाँ से आई, उसका रीजन क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। लेट मी टेल यू, उसको हमने बॉक्स में बंद करके रखा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट, इट लेफ्ट मॉइस्ट एंड इट बिकेम सॉफ्ट, और वो मॉइस्ट हो गई, ओके, तो उसकी वजह से उसमें फंगस होना स्टार्ट हो गया। फाइंड आउट अबाउट ऑल द रीजंस एंड कंप्लीट इट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस। सम फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। अलग अलग तरह की फूड आइटम्स अलग अलग रीजन्स की वजह से खराब होती है। कुछ फूड आइटम्स बहुत जल्दी खराब हो जाती है और कुछ फूड आइटम्स बहुत लंबे समय के बाद खराब होती है। तो इसके लिए हमें कुछ सीजन्स और कंडीशंस लिखनी है जहाँ पर फूड बहुत जल्दी से खराब हो जाता है। फूड स्पॉइल्स क्विकली इन द रेनी एंड समर सीजन्स इन द गिवन कंडीशंस। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिखाई गई है जो रेनी और समर सीजन में फूड में जल्दी से बिगाड़ लाती है। इफ फूड इज लेफ्ट ओपन, अगर फूड को खुला छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाता है। If milk is not boiled properly, अगर मिल्क को सही तरीके से बॉयल नहीं किया गया है तो वो खराब हो जाता है। If green vegetables are not kept in a cool place, अगर green vegetables को cool place यानी कि refrigerator जैसी जगहों पर नहीं रखा जाता तो भी वो खराब हो जाते हैं। If pickles, मुरब्बा etc. are not produced from moisture, अगर pickles और मुरब्बे के अंदर जो मॉइस्चर हटाकर उसे नहीं बनाया गया है तो वो खराब हो जाता है। सी, इफ यू हैव सीन देर आर सो मैनी कोल्ड स्टोरेजेस एंड इन दोज कोल्ड स्टोरेजेस वेजिटेबल्स फ्रूट्स एवरीथिंग आर केप्ट, सम फूड आइटम्स आर ऑल्सो केप्ट लाइक दैट, व्हाई, बिकॉज जस्ट टू नॉट गेट स्पॉइल्ड इन दैट, वो खराब नहीं हो जाए, उसे लंबे समय तक अच्छे से रखने के लिए उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 38। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच फूड कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 or 2 days। मैच द करेक्ट पेयर्स। सी हियर सम फूड आइटम्स and its simple methods are given, and with that method we can keep the food fresh for 1 or 2 days. So we have to match the food items with the correct method. Food items and method, see here, you can give the number like this if you want to write 1 2 3 4, then A B C D, फिर उसको हम match करेंगे। मिल्क को कौन सी मेथड से 1-2 दिन के लिए रखा जा सकता है, सो बॉयल इट, बॉयल द मिल्क एंड वी कैन कीप इट, सो 1 C। सेकेंड वन इज कुक्ड राइस, सो वी कैन पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। कुक्ड राइस को रखने के लिए हमें उसे एक बाउल में रख देना है और उस बाउल को पानी भरे हुए कंटेनर में रख देना है, तो वो ऐसे ठीक रहेगा।
3 नंबर इज ग्रीन कोरिएंडर मींस धनिया, उसको रखने के लिए क्या करना है? सो रैप इट इन अ डैम्प क्लोथ, उसको डैम्प क्लोथ में रख के रैप करके रखना है। 3B, देन 4th इज ऑनियन एंड गार्लिक, कीप इट इन अ ड्राई एंड ओपन प्लेस। ऑनियन एंड गार्लिक को रखने के लिए उसे ड्राई और ओपन प्लेस में रखना पड़ेगा, तभी वो ठीक से रहेगा। सो 4D, हियर वी हैव मैच्ड इट 1C, 2A, 3B एंड 4D। राइट दिस इन योर नोटबुक एंड फाइंड अबाउट द रीजंस फॉर फूड स्पॉइलिंग। यू ऑल्सो हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑन ब्रेड और रोटी एंड कंप्लीट द टेबल। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।